भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ट्रेबियल ने पहले ओवर के अंतिम गेंद पर केएल राहुल को LBW किया। वे खाता भी नहीं खोल पाए। उन्होंने रिव्यू भी लिया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पहले झटके के बाद पृथ्वी और पुजारा ने भारतीय पारी को संभाला। पृथ्वी ने रॉस्टन चेंज की गेंद पर एक रन लेकर 50 पूरी की। वे 56 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 50 तक पहुंचे। पुजारा ने लुइस की गेंद पर चौका लगाते हुए 50 पूरी की। ये उनकी 19वीं टेस्ट 50 है। पृथ्वी 74 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 75 और पुजारा 74 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 56 रन बनाकर क्रीज पर है। पृथ्वी शॉ ने भारत की तरफ से टेस्ट डेब्यू किया। पृथ्वी शॉ को कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट कैप प्रदान की। वे भारत के 293वें टेस्ट खिलाड़ी बने। मयंक अग्रवाल को मौका नहीं मिला। भारत को पिछले 9 महीनों में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में हार का सामना करना पड़ा लेकिन तब भी टेस्ट मैचों में दुनिया की नंबर एक टीम बना हुआ है। अब भारतीय टीम इंग्लैंड में मिली हार को पीछे छोड़ इस सीरीज पर फोकस कर रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 12 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है।